असलम वेलकम टू लेक्चर नंबर फोर्टी फोर ऑफ़ अ कोर्स सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग एज दिस कोर्स वाइन्स डाउन आई प्रॉमिस दैट वी वु कॉम्प्रेंसिव एग्जाम्पल एंड वी वुड रिव्यू अ लॉट ऑफ कोड द एग्ज़ाम्पल दैट वी चोज़ फॉर यू वी स्टार्ट डिस्कसिंग दैट लास्ट टाइम वो हमने मेट्रिक्स की एग्जाम्पल सिलेक्ट की थी हम मेट्रिक्स क्लास के ऊपर कुछ हम ऑपरेशन डिस्कस कर चुके हैं आज हम उसका कोड देखेंगे

वो यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाती हैं ये सैम्पल कोड जो है वो आपको हैंड में भी मिल चुका है और आपके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर भी पड़ा हुआ है यू कैन डाउनलोड इट प्लग इट स्ट्रेट इन योर कंपाइलर एंड टेस्ट इट आउट बट एज़ यूजल माई रिकमेंडेशन इज़ दैट यू शुड नॉट स्टॉप जस्ट देयर कि जी कोड उतारा देखा और उसको एक्सरसाइज कर लिया दिस क्लास इज़ नॉट कम्प्लीट नॉट बाय अ लॉन्ग शॉट अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें ऐड की जा सकती हैं कुछ के बारे में शायद मैं आपको हिंट भी दूँ इस लेक्चर में but you should try to enhance this class you should try to improve it or add to its functionality but as it stands it's pretty comprehensive one of the things that you might want to do with this class is to templatize it elements you of type double real floating point numbers you might want to Improve it or make a template out of this class so that it can handle integer elements or float elements. Uh, the way I've written this class is also fairly straightforward. It allows you to do this because double your word hai qualifier, wo sirf or sirf elements ke liye hua hai, aur double uh, type of variables ke liye hua hai. So in this whole code, if you just do a search and replace, और डबल को इंट से रिप्लेस कर दें तो ये इंटीजर मैट्रिक्स टाइप के लिए क्लास बन जाएगी ख्याल रहे कि इंटीजर से वापस आना ज़रा मुश्किल होगा बिकॉज देर आर अदर इंटीजर्स इन्वॉल्व इन दिस एंटायर कोड एनी वे लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट द क्लास इथ सेल्फ पहले तो हम मैट्रिक्स के डेटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर इन कीपिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा हाइडिंग एंड कैप्सुलेशन हमने उसको प्राइवेट सेक्शन ऑफ द मैट्रिक्स क्लास में रखा है तो आप देखें तो प्राइवेट सेक्शन के अंदर हमने इंटीजर डिफाइन किए हैं इसकी नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके लिए वेरिएबल नेम नम रोज़ और नम कॉल्स इस्तेमाल किया है नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स तो हमेशा होल नंबर्स ही होंगे यू कॉन्ट हैन एंड अ हाफ रो सो दे फो दिज आर इंटीजर्स दीज आर फिक्स दीज आर डिफाइंड सो वेन एवर यू हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास इट विल हैव अ सर्टन नंबर ऑफ रोज़ एंड सर्टन नंबर ऑफ़ कॉलम्स और इन वेरिएबल्स में उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो स्टोर्ड होंगी इसके अलावा द क्वेश्चन इज के जी इसकी मेट्रिक्स की अपने एलिमेंट्स की वैल्यूज़ कहाँ पे होंगी उसके लिए देखें हमने कुछ इंटरेस्टिंग काम किया है हमने ये नेक्स्ट लाइन जो डिक्लेयर की है ये है डबल स्टार स्टार एलिमेंट्स वॉट इट सेज इज एलिमेंट्स इज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू डबल दैट्स हाउ यू रीड द स्टार स्टार पहला एक स्टार जो है वो एरे बन गई दूसरा जो है वो पॉइंटर बन गया वॉट इट मीन इज़ कि एलिमेंट्स को अगर लिया जाए तो ये एक टू डायमेंशनल एरे ऑफ डबल्स को पॉइंट कर रहा है फिर एलिमेंट्स ऑफ आई अगर लेंगे यानी एक इंडेक्स देंगे तो ये एक रो को डिफाइन कर रहा होगा यानी इट्स अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ डबल्स एंड फाइनली अगर हम एलिमेंट्स ऑफ आई जे करें तो देन वी आर टॉकिंग ऑफ वन पर्टिकुलर एलिमेंट विच विल बी अ वेरिएफ टाइप डबल सो बी कम्फर्टेबल विद दिस द थिंग दैट यू वुड इमीजिएटली नोटिस इज क्योंकि मैट्रिक्स में हमने टू डायमेंशनल एरे की बात करनी है हमने यहाँ पे टू डायमेंशनल एरे नहीं दिखाई दैट शुड वॉन्ट यू कि जी हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन की तरफ जा रहे हैं उसकी वजह या जस्टिफिकेशन सिंपल है ये तो हम एक जनरल एक क्लास बनाई है ऑफ टाइप मैट्रिक्स इससे जो ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करेंगे यानी इंस्टेंसेज ऑफ़ दिस क्लास दे कुड बी अ स्मॉल मेट्रिक्स टू बाई टू इट कुड बी अ बिग मेट्रिक्स ट्वेंटी बाई ट्वेंटी इन अदर वर्ड्स द साइज ऑफ द मेट्रिक्स विल बी वेरिएबल In fact, there is no requirement that the size be a square. It need not be a 20 by 20 matrix. It could be a matrix of 3 by 10, three rows, ten columns. So we have complete flexibility. But what I would like to point out here is just from the data structure perspective, two integers we have kept. One will keep the number of rows. One will keep matrix? number column kitne So the object creation being done. And then the elements jo hai, it will be dynamically allocated memory. जिसके अंदर एक्चुअल डबल वैल्यूज़ लिखी जाएंगी जैसे ही मैंने बात की कि जी ये क्लास जो है इसमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगी तो आपको अपने पिछले लेक्चर से याद होगा कि इस क्लास के ऊपर हमारे लिए ना तीन चीज़ें नेसेसरी हो गई हैं एक ये कि जी इसका कंस्ट्रक्टर जो है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेट करे लेकिन क्योंकि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करें यानी न्यू ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे इस वास्ते इस क्लास के लिए डिस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करना लाजमी है वरना यह होगा कि वो जो हमारा फ्री स्टोर था उससे मेमोरी एलोकेट होती जाएगी जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे लेकिन वो फ्री नहीं होगी यानी मेमोरी ज़ाया हो जाएगी सो अ डिस्ट्रक्टर इज़ नेसेसरी द अदर थिंग अगेन विद हैविंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यू वुड रियलाइज़ कि जी हमें एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी चाहिए क्योंकि अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यानी इक्वल टू साइन वाला ऑपरेटर जो है वो प्रोवाइड नहीं करेंगे तो जो डिफॉल्ट है वो मेंबर वाइज कॉपी देगा यानी शैलो कॉपी होगी पॉइंटर की वैल्यू पॉइंटर के अंदर कॉपी हो जाएगी लेकिन पूरा डेटा जो है वो कॉपी नहीं होगा सो so, ये अभी बस ख्याल रखें इस चीज़ का बाद में जब हम कोड में पहुँचेंगे फिर उसको हम डिटेल में देखेंगे कि हमने ये किया कैसे है अब अगर देखें कि हमने इसके पब्लिक इंटरफेस जो प्रोवाइड करना है असल सारी चीज़ वहाँ पे है प्राइवेट वाज़ द डेटा वो हमने डिफ़ाइन कर दिया वेरी वेरी सिंपल टू इंटीजर्स वन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू डबल जो पब्लिक इंटरफेस है उसके अंदर पहले तो आ जाते हैं इसके कंस्ट्रक्टर्स हमने जो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसके लिए रखा है वो ऐसा है कि जो उसमें हम नंबर ऑफ रोज़ और नंबर ऑफ कॉलम्स बताएँगे और उनकी हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी डाल दी हैं ज़ीरो

डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रही हो यानी रन टाइम पे हम ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी हासिल करें फ्री स्टोर पे तो ये एक चौथी चीज़ है कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर और असाइनमेंट ये जो है इनके अलावा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी प्रोवाइड करना पड़ता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का जो सिंटैक्स है या उसकी डेक्लेशन लाइन है वो हमेशा एक जैसी होती है यानी क्लास का नाम विच इज़ द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर और फिर उसके आर्गमेंट्स के अंदर हम एक रेफरेंस देते हैं टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम क्लास सो द असाइनमेंट या रा द डेक्लेशन लाइन फॉर द कॉपी कंस्ट्रक्टर लुक्स लाइक मेट्रिक्स एंड देन विद इन प्रेन्थिस मेट्रिक्स एंड द एम्पस एंड साइन रिप्रेजेंटिंग अ रेफरेंस टू अ मेट्रिक्स ये तो इसका प्रोटोटाइप है जब हम इसकी डेफिनेशन में आएंगे फिर देखेंगे कैसे हम करते हैं कंस्ट्रक्टर्स के बाद हमने इसका एक डिस्ट्रक्टर डिफाइन किया हुआ है उसके भी प्रोटोटा प्रोटोटाइप लाइन जो है वो स्टैंडर्ड है कि जी टिल द मेट्रिक्स नीम सो हेयर इट इज़ टिल द मेट्रिक्स इट टेक्स नो आर्गमेंट्स इट रिटर्न नथिंग याद रहे कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स जो हैं ये रिटर्न कुछ नहीं करते उसके बाद हमारे यूटिलिटी फंक्शन शुरू हो जाते हैं कि जी हम जो चीज़ चाहते हैं इस मेट्रिक्स के साथ इसकी मैनिपुलेशन के लिए उसके लिए जो भी हम फंक्शंस डिफाइन करते हैं तो so, दो छोटे छोटे हमने बता दिए हैं कि जी अगर गेट रोज़ का एक फंक्शन हम डिफ़ाइन किया हो तो वो हमें बता देगा कि जो हमारी मैट्रिक्स है इसमें रोज़ कितनी हैं इसी तरह एक गेट कॉल्स का फंक्शन लिख देंगे वो बताएगा इस मैट्रिक्स में कॉलम्स कितने हैं याद रहे हम क्लास लिख रहे हैं हम इसके इस्तेमाल वाला प्रोग्राम नहीं लिख रहे इन अदर वर्ड्स वी आर नॉट राइटिंग अ क्लाइंट ऑफ द मैट्रिक्स टास्क जब क्लाइंट की बारी आएगी जब आप आपके इसको इस्तेमाल करने जाएंगे उस वक्त पता चलेगा कि जी हमें कुछ और फंक्शंस भी चाहिए थे सो दैट इज़ वाई सेड दैट यू शुड Enhance this class to actually make it very, very useful. As it stands, it does quite a few things, but you may need to add more. So I've just put down two little utility functions: get rows and get calls. It returns the integer which says that rows kiti ni hai ya columns are You might want to write a function which says, that ji row mujhe phirni row return kar do as a vector, or give me the nth column of a matrix. So these things we have left for you to do. गेट रोज़ और गेट कॉल से आगे चलें तो फिर इसके ऊपर कुछ और हमारे अब इनपुट आउटपुट वाले फंक्शन शुरू हो जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज़ हम चाहते हैं किसी तरीके से कोई ऑब्जेक्ट के अंदर हम इनपुट भी डाल सकें सो इनपुट के लिए मैंने दो फंक्शंस लिखे हैं दोनों का नाम इनपुट ही है एक जो है वो कीबोर्ड से इनपुट लेगा और दूसरा फंक्शन जो है इनपुट का वो किसी फाइल में अगर मेट्रिक्स लिखी हो वहाँ से पढ़ेगा दोनों में ज़रा सा फ़र्क है ये भी जब हम कोड डेफिनेशन की तरफ पहुंचेंगे वहाँ पे आपको नज़र आएगा लेकिन इस वक्त आप ये देखते चलें कि मैंने इसको और ज़्यादा जनरलाइज़ किया है जो इनपुट ले रहा है कीबोर्ड से फंक्शन उसके देखें तो उसको आर्गमेंट भी दे दिया है कि जनाब आई स्ट्रीम का आर्गमेंट है याद रहे जो हमारे सी इन है जो डिफॉल्ट इनपुट स्ट्रीम है जो कीबोर्ड के साथ एसोसिएटेड है दैट इज़ ऑफ क्लास आई स्ट्रीम सो हमने कहा है कि जी इसको एक आर्गमेंट मिलेगा याद रहे ये मेंबर फंक्शंस हैं ये कॉल इनको एक मेट्रिक्स ऑब्जेक्ट कर रहा है सो मेट्रिक्स ऑब्जेक्ट यहाँ पे नजर नहीं आ रहा वो तो दिस पॉइंटर से पहुँचेगा फंक्शन के अंदर लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो इसको एज एन आर्गूमेंट पेश किया जा रहा है दैट इज़ द आई स्ट्रीम ऑब्जेक्ट उसको हमने नाम दे दिया है टेम्प्रेरी नाम आई एस और साथ कह दिया उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है वो है सी इन सो इट इज़ अ नाइस वे ऑफ हैंडलिंग डिफॉल्ट वैल्यूज कि अगर आप कहें एम डॉट इनपुट पर फिर आगे एम टी परेंथिस लिखते हैं तो ये कीबोर्ड से इनपुट लेगा क्योंकि डिफॉल्ट सी इन इसको मिल रहा है नन द लेस वी हैव डिफाइंड अ सेकेंड इनपुट फंक्शन याद रहे ये ओवरलोडिंग हो रही है अब अब फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है द सेकेंड इनपुट फंक्शन टेक्स आई एफ स्ट्रीम एज अ पैरामीटर उसका आर्गूमेंट जो है वो आई एफ स्ट्रीम है विच मीन्स इट इज अ फाइल स्ट्रीम यह अगर फाइल में कोई मेट्रिक्स लिखी हो किसी तरीके से उसको अगर हम पढ़ना चाहें तो ये हम दूसरा वाला इनपुट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे इसमें कोई डिफॉल्ट आर्गमेंट नहीं है इन्हीं दो इनपुट जो है हमारे फंक्शन इनके पेयर अगर देख लें तो हमारे पास आउटपुट फंक्शन भी होने चाहिए नाउ अगेन द नेम्स आई हैवज आई बेट्री मुझे लगा कि जी इनपुट के साथ आउटपुट होना चाहिए यू माइट वॉन्ट टू यूज़ प्रिंट और डिस्प्ले वट एवर सूट्स यू यू माइट वॉन्ट टू राइट इन योर ओन क्लासेज बट फॉर दिस क्लास हमने आउटपुट का वर्ड इस्तेमाल किया है सो वी हैव टू आउटपुट फंक्शंस एंड विद द सेम रीजनिंग एक आउटपुट फंक्शन वो है जो कि स्क्रीन पर हमें दिखाएगा उसके जो आर्गोमेंट है वो ओ स्ट्रीम टाइप ऑफ आर्गोमेंट है और ओ स्ट्रीम ओ एस के साथ हमने डिफॉल्ट वैल्यू भी दे दी है वह है सी आउट दूसरा जो आउटपुट फंक्शन है वो है जो अगर मेट्रिक्स को हम फाइल में लिखना चाहें तो वह फिर ओ एफ स्ट्रीम वाला आर्गमेंट लेता है और उसके साथ कोई डिफॉल्ट आर्गूमेंट हमने नहीं प्रोवाइड किया यानी यू विल हैव टू प्रोवाइड अ फाइल हैंडल इफ यू वॉन्ट टू कॉल द सेकेंड आउटपुट फंक्शन देन वी गो ऑन एंड वी टॉक अबाउट द अरेथमेटिक मैनिपलेन दैट वी माइट वॉन्ट टू डू विद मेट्रिस सो प्लस को अगर ले लें प्लस ऑपरेटर को इसके लिए हमने दो तीन चार डिफरेंट फंक्शन जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं दीज आर नाउ मेम्बर ऑपरेटर्स सम आर मेम्बर्स सम विल बिकम फ्रेंड्स पहला प्लस जो है ऑपरेशन वो है दो मेट्रिस को आपस में ऐड करने का इन दैट केस इट्स अ मेम्बर ऑपरेटर एंड इट टेक्स अ मेट्रिक्स एज एन आर्गूमेंट द सेकेंड वन इज एक मेट्रिक्स में कोई डबल ऐड करने का अब याद रहे ये मेट्रिक्स ऑफ टाइप डबल हम बना रहे हैं सो so, इसमें हम डबल ही ऐड करेंगे उसके अंदर अगेन इट्स अ मेम्बर ऑपरेटर वेन यू राइट समथिंग लाइक ए प्लस डी वेर ए इज़ अ मेट्रिक्स एंड डी इज़ अ डबल तो ये ऑपरेटर कॉल होगा इसमें अगेन मेट्रिक्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आ रही है सो इट्स अ मेंबर ऑपरेटर वो तो कॉल करेगी और फंक्शन के अंदर थ्रू द दिस पॉइंटर पहुंच जाएगी ऑन द अदर हैंड द डबल वैल्यू जो हम मेट्रिक्स में ऐड करना चाह रहे हैं दैट इज़ प्रेजेंटेड एज एन आर्गूमेंट देर इज अनदर वराइटी ऑफ एडिंग अ डबल टू अ मेट्रिक्स वो है अगर हम डी प्लस ए लिख रहे हों यहाँ डी जो है वो डबल वेरिएबल है और ए जो है दैट्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप मेट्रिक्स अब देखें यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ है वो मैट्रिक्स नहीं है सो व्हाट द फंक्शन हैज़ टू बी इट कैन नॉट बी अ मेंबर फंक्शन बिकॉज द ड्राइविंग फोर्स इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ आर डिज़ायर्ड क्लास इफ इट इज़ नॉट अ मेंबर फंक्शन इसको दो आर्गूमेंट्स मिलेंगे पहला आर्गमेंट वो टाइप डबल होगा दूसरा आर्गूमेंट जो है वो मेट्रिक्स होगी जिसमें हम चीज़ उसके साथ जमा करना चाह रहे हैं बिकॉज इट्स नॉट अ मेंबर फंक्शन and we do want to manipulate the private data elements of this class it has to be a friend function so function to baha define hoga and it will be defined at the file level in other words it is not a member function of the class matrix but it has to be declared here as a friend so it is declared as friend operator plus or here d or matrix or pass key here or is key return type bhi here return type will always be matrix because matrix may have define. defined here जो पिछले लेक्चर में भी बात की थी कि जब हम डबल कोई ऐड करेंगे मैट्रिक्स में तो मैट्रिक्स ही रहेगी और फाइनल एक वेरिएंट है जो मैंने फॉर एग्जांपल बीच में डाला हुआ है टू शो यू कोड री वो है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर यानी देखें हम आई प्लस इक्वल टू थ्री लिख लेते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर एंड वॉट दैट मीन्स इज आई इज इक्वल टू आई प्लस थ्री इट वुड बी नाइस इफ वी कुड राइट ए प्लस इक्वल्स बी वेयर ए एंड बी आर बोथ मेट्रिस तो देट वुड बी एन इंटरेस्टिंग फंक्शन टू राइट और एन इंटरेस्टिंग ऑपरेटर टू हैव और हम देखेंगे कि जी इसकी कितनी आसानी से ये लिखा जाता है प्लस के बाद यही सारे काम हम माइनस के साथ कर सकते हैं यानी हम अगर दो मेट्रिस हैं ए और बी तो हम ए माइनस बी करना चाहेंगे लेफ्ट साइड पर मेट्रिक्स है सो इट्स अ फ्रेंड ऑपरेटर एक आर्गूमेंट इसको मिलेगा देट विल बी ऑफ टाइप मेट्रिक्स वो राइट हैंड साइड पर आएगा सो ए माइनस बी में ए कॉल कर रहा है इसको और b एज एन आर्गूमेंट जा रहा है जो हमने प्लस के साथ किया और डबल्स के साथ किया वही हम माइनस के साथ करना चाहेंगे हम चाहेंगे कि हम a माइनस डी लिख सकें वेयर d इज़ अ डबल a इज़ अ मेट्रिक्स सो उसके लिए हमारा एक मेम्बर ऑपरेटर हम डिफाइन करेंगे माइनस का ये सारे ओवरलोड हो रहे हैं क्योंकि माइनस 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 जो माइनस ओवरलोडेड ऑपरेटर है वो जो है उसमें डबल जो है वो आर्गोमेंट पेश किया जाएगा रिटर्न ये सब जो हैं मेट्रिक्स कर रहे हैं दे अ अट्रिक्स देन वी माइट वॉन्ट टू डू डी माइनस ए वे डी इज अ डबल वेरिएबल एंड ए इज अ मेट्रिक्स अगेन एज आई सेड अर् विद द प्लस साइन सिंस द लेफ्ट हैंड साइड इज अ डबल, द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द माइनस साइन इज अ डबल, वॉट वी नीड इज अ फ्रेंड फंक्शन नाउ वी कैनॉट यूज अ मेम्बर फंक्शन सो वी डिफाइन अ फ्रेंड उसका प्रोटोटाइप यहाँ लिख देते हैं कि जी फ्रेंड रिटर्न टाइप मेट्रिक्स ऑपरेटर माइनस टेक्स टू आर्गूमेंट द फर्स्ट वन इज डब एंड द सेकेंड वन इज अ मेट्रिक्स वी गो ऑन नाउ टू मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के बारे में भी मैंने पिछली दफा बात की थी कि क्या कुछ हम करना चाहेंगे पहला एक्शन जो है वह है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मेट्रिस ए स्टार बी और ए और बी दोनों मेट्रिस हैं क्योंकि ए जो स्टार के लेफ्ट हैंड साइड पर आ रही है वो मेट्रिक्स है लिहाजा ये मेबर ऑपरेटर है एज अ मेंबर ऑपरेटर ए इस ऑपरेटर के अंदर दिस पॉइंटर के थ्रू पहुँच जाएगी बी जो है वो एज एन आर्गोमेंट पेश होगी रिटर्न मेट्रिक्स होनी चाहिए सो वी हैव मेंबर ऑपरेटर रिटर्न अ मेट्रिक्स टेक्स वन वन आर्गोमेंट विच इज़ द मेट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड देन यू वुड वॉन्ट टू डू द सेम थिंग एज वी वॉन्ट टू डू विद प्लस एंड माइनस इन अदर वर्ड्स मल्टीप्लाई अट्रिक्स विद अ डबल और मल्टीप्लाई अ डबल विद अ मेट्रिक्स इन ईदर केस हम चाहते हैं कि जी मेट्रिक्स ही रिटर्न हो सो so, पहला जो है मेट्रिक्स विद अ डबल दैट इज़ अ मेंबर फंक्शन एंड टेक्स वन आर्गुमेंट विच इज़ ऑफ टाइप डबल बट द डबल मल्टीप्लाइड बाय मेट्रिक्स डी स्टार ए वेर डी इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल ए इज़ अ मेट्रिक्स वहाँ पर हमें फ्रेंड फंक्शन बनाना पड़ेगा एंड अगेन द रिटर्न टाइप विल बी मेट्रिक्स डिवीजन के लिए हमने एक सिंपल सी बात की थी कि जी डिवाइड हम मैट्रिक्स को सिर्फ डबल से करेंगे सो देर इज़ ओनली वन वेरिएशन ऑफ दैट थीम इट इज़ ए स्लैश डी अगेन ए मेट्रिक्स डिवाइडेड बाई डी विच इज़ अ डबल वेरिएबल और इसको डिफाइन भी हमने किया था कि हर एलिमेंट को डी से डिवाइड कर दो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द डिवाइड साइन एंड हेयर अगेन इट विल रिटर्न अ मेट्रिक्स विच इज़ द सेम साइज़ एज द ऑरिजिन ऑफ मल्टीप्लीकेशन इज मोर इंटरेस्टिंग वेन वी लुक एट द कोर्ड वी विल सी वॉट हैपन्स फिर हमने कुछ स्ट्रीम इंसर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स लिखे हैं अगेन हम चाहेंगे कि जैसे हमने इनपुट ऑपरेशन किया था यानी एक फंक्शन लिखा था तो हम डबल ग्रेटर देन साइन भी इस्तेमाल कर सकें सो वी कैन डू समथिंग लाइक सी इन ग्रेटर देन ग्रेटर देन एम वेयर एम इज़ अ मेट्रिक्स सो हमने स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर लिखा ये जो है ये लाजमन फ्रेंड फंक्शन होगा क्योंकि इसके लेफ्ट साइड पर स्ट्रीम ऑब्जेक्ट आ, आ रहा होता है या आई स्ट्रीम होगा या ओ स्ट्रीम होगा डिपेंडिंग ऑन इनपुट और आउटपुट बट इट विल ऑलवेज बी अ फ्रेंड एंड इट विल टेक टू आर्गूमेंट्स

And the other one was another function that we required of a matrix. That was the transpose function, matrix ke rows or columns co-interchange. Carrying a matrix. So, this work, we have interface defined. As I said earlier, it is not comprehensive. There are still things that can be added to it, which compound operators plus equals, kiya minus equals, kiya. You might want to do a star equal to. You will not be doing a slash equal to because the divide is a very limited scope operator over here. जो आपके पास कोड है इसमें देखें तो एक कॉन्स्ट का कीबोर्ड भी आपको नज़र आ रहा है कि जी कभी मैंने उसको बिगिनिंग में लिखा हुआ है कभी उसको एंड के ऊपर लिखा हुआ है फिर कहीं पे रिटर्न टाइप मैट्रिक्स है कहीं पे मैट्रिक्स एंड है यानी रेफरेंस टू अ मैट्रिक्स है ये सारी चीज़ें जो हैं ये समझने वाली हैं ये जैसे हम कोड में दाखिल होते हैं ये एक एक करके मैं डिस्कस करता जाऊँगा लेटर स्टार्ट विद आर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें हमने जहाँ पे प्रोटोटाइप डिक्लेयर किया था क्लास के अंदर वहाँ पे हमने इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी थी रो इक्वल टू जीरो और कॉलम इक्वल टू जीरो यानी इंट इक्वल टू जीरो वहाँ पे लिखा हुआ था जब हम एक्चुअल फंक्शन लिखने आते हैं उस वक्त हम डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को रिपीट नहीं करते बिकॉज देन देट देर माइट बी अ कॉन्फ्लिक्ट और अ कन्फ्यूजन ऊपर जीरो लिखती है नीचे कुछ और लिखते हैं एक जगह पे डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दी जाती हैं नाव वेन वी कम इन टू द कंस्ट्रक्टर It is passed two integers, one representing the number of rows and one representing the number of columns of the matrix object that we want to create. The first thing that we do is we assign these values to the num rows and num calls variables which are part of our data structure in the object. So, we assign two lines that this matrix ki many rows and many columns. This is how Next line, we will याद रहे हमने एलिमेंट्स जो है उसको डिक्लेयर किया था एज अ डबल स्टार स्टार यानी एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू डबल यहाँ पे एलिमेंट्स को डायरेक्टली अगर हम एलोकेट करने जाएंगे तो या तो वो डबल टाइप के हम नम रोज टाइम नम कॉल्स जो हैं एलिमेंट्स वो फ्री स्टोर से हासिल कर लें लेकिन देन वी हैव द डबल पॉइंटर सो वॉट वी डू इज़ सबसे पहले हम एलिमेंट्स जो है उसको कहते हैं कि जी दिस इज़ एन एरे ऑफ पॉइंटर्स टू डबल और इतने हमें पॉइंटर्स चाहिए वो हम एलोकेट करते हैं सो वी यूज़ द न्यू ऑपरेटर वी यूज़ द डबल स्टार कास्ट विच मीन्स जो भी चीज़ रिटर्न होगी दैट विल बी ऑफ टाइप पॉइंटर टू डबल और कितने पॉइंटर्स चाहिए जितनी रोज़ हैं उस मेट्रिक्स के अंदर सो so हर रो के लिए एक पॉइंटर हो गया दैट मीन्स नाव द रो कैन बी एन एरे विच इज़ फाइन क्योंकि उसके अंदर हमने कॉलम्स में डेटा डालना है अब एलिमेंट्स जो है नाव दैट इज़ अम रोज़ नंबर ऑफ पॉइंटर्स टू डब ये जब हमारे पास एलोकेशन हो गई अब हम लूप चलाते हैं हम कहते हैं फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो आई लेस देन नम रोज आई प्लस प्लस जस्ट टू रिएट्रेट अ वेरी माइनर पॉइंट देखें सी में सी प्लस प्लस में सारी एरियज जो हैं वो जीरो से शुरू होती हैं और अपर लिमिट माइनस वन वहाँ पर ख़त्म होती हैं देट इज़ द नम रोज पार्ट ये जब लूप चली तो पहली चीज़ क्या करनी है अब हर एलिमेंट्स पॉइंटर जो है एलिमेंट्स ऑफ आई उसके लिए जगह एलोकेट की जाए फ्री स्टोर से कितनी जगह अब ये जगह ऑफ टाइप डबल होगी एंड इट विल बी ऑफ नंबर ऑफ कॉलम्स सो व्हेन वी से न्यू डबल नम कॉल्स विद इन स्कोयर ब्रैकेट्स इट मीन्स गिव मी एन एरे ऑफ डबल्स अब देखें पॉइंटर खत्म हो गया अब एरे ऑफ डबल्स आ गई विच इज़ फाइन बिकॉज एलिमेंट्स ऑफ आई रिप्रजेंट्स अ पॉइंटर और आपको याद होगा पॉइंटर्स एंड एरेज आर सिनोनिमस सो अब एक पॉइंटर जो है वो इस एरे को पॉइंट कर रहा है हमारे पास जगह आ गई जगह आ गई तो हमने कहा चलें इस मैट्रिक्स को इनिशलाइज भी करते चलते हैं सो so, हमने कहा फॉर इंट जे इक्वल टू ज़ीरो जे लेस दैन नम कॉल्स जे प्लस प्लस और कहा एलिमेंट्स ऑफ आई जे दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स में इक्वल जीरो पॉइंट जीरो लेट्स रिव्यू दिस अगेन हमने पहले तो नम रोज और नम कॉल्स को वैल्यूज असाइन कर दी फिर एलिमेंट्स को हमने कहा इतने सारे पॉइंटर्स टू डबल्स हासिल करो फ्री स्टोर से और एलिमेंट्स को दे दो फिर हर पॉइंटर के लिए हमने कहा इतनी जगह टू स्टोर डबल वेरिएबल्स वो हासिल करो एंड दैट इज़ पॉइंटेड टू बाय ईच एलिमेंट एंड फाइनली वंस वी गॉटन द स्पेस फॉर डबल्स उसको हमने इनिशलाइज कर दिया टू जीरो एंड नाउ वी हैव अ कंस्ट्रक्टेड मेट्रिक्स इस कोड को अब देखें कोई एक्सेप्शनल वैल्यूज़ तो नहीं है एक्सेप्शनल वैल्यूज़ मैं सोच सकता हूं कि अगर मैं नेगेटिव रोज़ और नेगेटिव कॉलम्स uh, इसको पास कर दूं तो मसला आ जाएगा ऑब्वियसली वी वट बी यू नो क्रेजी एनफ टू डू दैट बट नन द लेस इफ़ यू वॉन्ट टू बी एब्सोलूटली श्योर यू माइट वॉन्ट टू पुट इन अ टेस्ट सेंग कि नम रोज मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू ज़ीरो एंड नम कॉल्स मस्ट बी ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो अगर एक्चुअली जीरो पास किए जाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता Because the what we are saying is that num rows equal to 0, num calls equal to 0, give me 0 pointers, initialize 0, nothing happens, you get an empty matrix, an empty matrix of dimension 0 by 0. But any positive integer supplied will give you a properly constructed and initialized to 0 matrix object. Let us go on to the next uh, type of constructor. दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फ्राम दिस फ्राम दिस क्लासिस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ईव सेट वी गोइंग टू डू डायनामिक मेमरी एलोकेशन ये जो है ये है कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर का इस्तेमाल कहाँ पर होता है जब आप अपने प्रोग्राम में लिखते हैं मेट्रिक्स ए और परेंथीसिस में बी जहाँ ए और बी दोनों मेट्रिस हैं ए हम बनाने जा रहे हैं और बी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है सो so जब आप लिखते हैं मेट्रिक्स ए परेंथीसिस बी वी आर सेग गिव मी अ न्यू ऑब्जेक्ट कॉल्ड ए विच शुड बी आइडेंटिकल टू द ऑ ऑब्जेक्ट बी विच ऑलरेडी एग्जिस्ट सो इट्स अ कापी कॉन्स्ट्रक्टर वी आर कॉन्स्ट्रक्टिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ कापी ऑफ एन अदर ऑब्जेक्ट दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट दूसरा तरीका जो होता है इसी कॉपी कॉन्स्ट्रक्टर को इस्तेमाल करने का अगर हम अपने कोड में लिखें या मेन फंक्शन की बात हो रही है जो क्लाइंट होगा इस क्लास का वहाँ पर अगर हम लिखते हैं मेट्रिक्स ए इक्वल टू बी याद रहे ये क्योंकि डेक्लरेशन हो रही है दिस इज नॉट एन असाइनमेंट वेन वी राइट मेट्रिक्स

तो वो हम कॉन्स्ट कर देते हैं सो इट इज़ कॉन्स्ट मेट्रिक्स एंड एम दैट इज द आर्गूमेंट दैट इज़ पास टू द कॉपी कंस्ट्रक्टर क्योंकि ये एक ब्रैंड न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होने लगा है इसका मतलब है इस वक्त वो एग्जिस्ट नहीं करता सो इन फैक्ट लाइफ इज़ क्वाइट ईजी ऑल वी नीड टू डू इज रिपीट द कोड फॉर द रेगुलर कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट उसकी इनिशलाइजेशन कहाँ से हो रही है कि नम रोज इज इक्वल टू एम डॉट नम रोज उतनी रोज़ जो कि मेट्रिक्स जिसको हम डुप्लीकेट कर रहे हैं उसी की रोज़ यहाँ पे असाइन कर दो जो है नम कॉल्स एकम डॉट नम कॉल्स उसके कॉलम्स ले लिए अब उसके लिए जगह एलोकेट करनी है एक्जैक्टली exactly वही टेक्निक जो हमने रेगुलर मेट्रिक्स वाले कंस्ट्रक्टर में की थी उससे हमने जगह एलोकेट कर ली जहाँ पे हमने ऑर्डनरी या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर एलिमेंट्स को जीरो से इनिशलाइज़ किया किया था यहाँ पे उस चीज़ में हम फर्क करते हैं हम कहते हैं जीरो से इनिशलाइज़ मत करो इन एलिमेंट्स को वैल्यू दे दो एम डॉट्स एलिमेंट्स ऑफ आई जे याद रहे जब भी हम किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात कर रहे हैं डेटा मेंबर की बात कर रहे हैं तो हम एम डॉट ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं नोटिस करें लेफ्ट हैंड साइड पे हमने डॉट नहीं लिखा क्यों नहीं लिखा क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जो है जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है बट इन दिस केस ऑफ द कंस्ट्रक्टर इट इज द ऑब्जेक्ट दैट इज बीग कंस्ट्रक्टेड वो तो इस फंक्शन को अवेलेबल है थ्रू द दिस पॉइंटर सो so, वहाँ पे कोई डॉट वेरिएबल नहीं आएगा डॉट वाला जो ऑपरेटर है वो राइट हैंड साइड पे जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यानी जो आर्गूमेंट में मेट्रिक्स आई है उसके साथ हम लगाएंगे सो एम डॉट नम रोज एम डॉट नम कॉल्स एम डॉट एलिमेंट्स ऑफ आई जे इस तरह से इस्तेमाल होगा ये हमारा एक कॉपी कंस्ट्रक्टर बन गया इसने किया क्या है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स वो लिए हैं जो कि ऑलरेडी मेट्रिक्स में मौजूद है दूसरी मेट्रिक्स में जिसकी हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं उसके लिए जगह एलोकेट की है और जगह एलोकेट करने के बाद एलिमेंट बाई एलिमेंट उसके अंदर कॉपी कर दिया है द अदर थिंग यू माइट वॉन्ट टू नोट फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग पर्स्पेक्टिव दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नेस्टेड लूप बोथ इन द रेगुलर कंस्ट्रक्टर एज वेल एज इन दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर द नेक्स्ट पार्ट इज़ आर डिस्ट्रक्टर रिलेटिवली सिंपल एंड रिमेंबर इट इज़ नेसेसरी क्योंकि हमने न्यू इस्तेमाल किया है कंस्ट्रक्टर के अंदर जब भी हम मेट्रिक्स टाइप ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं हम फ्री स्टोर से मेमोरी हासिल कर रहे हैं डिस्ट्रक्टर में हमें वो मेमोरी वापस करनी है वापस करनी है बहुत आसान डिलीट एम टी स्क्र ब्रैकेट्स एलिमेंट्स याद रहे एलिमेंट्स वो वेरिएबल था जिसके अंदर हमने मेमोरी एलोकेट करके रखी हुई थी द स्क्र ब्रैकेट्स सिंपली इंडिकेट इट्स एन एरे द कंपाइलर ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ इट कि ये एरे कितनी बड़ी थी उतनी मेमरी वापस फ्री स्टोर पर डाल दी जाती है द डिस्ट्रक्टर इज एक्सट्रीमली सिंपल वन लाइन बट इट इज नेसेसरी इन दिस केस प्लीज़ रिमेंबर दैट इसके बाद हम चलते हैं थोड़े से अब इसके यूटिलिटी फंक्शंस की तरफ गेट रोज गेट कॉल्स दे आर रिलेटिवली ट्रिवियल दे आर मेंबर फंक्शंस दे डू नॉट चेंज एनीथिंग इन द ऑब्जेक्ट इट्स दे ओनली रीड द ऑब्जेक्ट सो ये फंक्शंस को हमने कॉन्स्ट कर दिया है सो so देखें फंक्शन के एंड के ऊपर हमने कॉन्स्ट लिखा हुआ है इट मीन्स इट डज नॉट चेंज द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग दिस रिटर्न क्या कर रहा है इट्स रिटर्निंग एन इंट विच इज़ द नंबर ऑफ रोज

it is of type const because it does not change anything in the object that is calling it and it returns num calls so very simple now let's go on to the slightly more complicated ones ye complicated jisko main keh raha hu function actually complicated nahi hai it is the output to the screen function इसके अंदर सिर्फ मैंने वो trick इस्तेमाल की है कि जब screen पे हमारी matrix नज़र आए तो खूबसूरत से हाशिए के अंदर नज़र आए जैसे हम किताबों में देखते हैं matrix लिखी हुई कि यू हैव लाइक बिग स्क्वायर ब्रैकेट्स और उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं सो so, इसके लिए हमने वो स्पेशल कैरेक्टर्स इस्तेमाल किए हैं जो कि डॉस विंडो में यानी जो हमारी कमांड विंडो है वहाँ पर अगर आप मेट्रिक्स को देखेंगे तो वो नीटली फॉर्मेटेड नज़र आएगी याद रहे मैंने आपको ये कहा था ये एक्सरसाइज करें एस की टेबल प्रिंट करें और एस की टेबल में 128 वैल्यू से आगे जो वैल्यूज़ हैं यू विल नोटिस दे आर स्पेशल ग्राफिक सिंबल्स वो अगर टेबल आपने प्रिंट किया हो कभी तो आप देखेंगे इस कोड के अंदर मैंने उन सिंबल्स की वैल्यूज़ इस्तेमाल की हुई हैं और उसको टू प्रिंट इट एज अ सिंबल मैंने फोर्स किया है कि आउटपुट स्ट्रीम को यहाँ पे चार के तौर पे इसको प्रिंट करो सो so, अगर मैं चार ना लिखता तो वहाँ पे वो शायद 218 एक नंबर लिख देता इट वुड हैव रिटन एन है सो आईव फोर्सड इट टू राइट अ कैरेक्टर हुज़ वैल्यू हुज़ एस की वैल्यू हैपन्स टू बी टू और समथिंग लाइक दैट देन इट प्रिंट्स द ग्राफिक सिम्बल फॉर दैट कैरेक्टर सो वी मेक अ रेफरेंस टू द एस की टेबल विच इज़ वॉट आई हेव डन एज वेल और वहाँ से मैंने देखा कि जनाब ये मैंने लेफ़्ट कोना बनाना है इस कैरेक्टर का कोड क्या है वहाँ पर नज़र आया टू वन एट मैंने यहाँ पर डाल दिया कि जी ओ एस विच इज़ माई आउटपुट स्ट्रीम डिफॉल्ट विल बी सी आउट लेस देन लेस देन चार विच इज़ फोर्सिंग इट टू प्रिंट एज अ कैरेक्टर टू वन एट वैल्यू दे दी सो इट प्रिंट्स द कैरेक्टर हुल्यू इज़ टू वन एट कोना प्रिंट हो जाता है अब कोने के बाद मुझे जगह चाहिए कितनी जगह चाहिए जिसमें कॉलम एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएंगे और फिर मैं दूसरा कोना बनाना चाहता हूँ लेकिन पहली लाइन पे मैं कुछ प्रिंट करना नहीं चाहता सो एव रन अ लिटिल लूप विथ सेज़ फॉर आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स आई प्लस प्लस सी आउट यानी ओ एस हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ शॉर्ट हैंड या यहाँ पर जो आर्गूमेंट पास हुआ था तो ओ एस को हमने कहा कि जी सेट विड्थ कर दो टेन कैरेक्टर्स की सो एवरी थिंग इज़ प्रिंटेड इन अ विड्थ ऑफ़ टेन यू कैन चेंज दिस यू कैन गो टू वट एवर यू वॉन्ट क्योंकि डबल हम प्रिंट कर रहे हैं मैंने कहा कि दस कैरेक्टर्स कम अज कम प्रिंट होने चाहिए और फिर उसको प्रिंट क्या किया उस दस कैरेक्टर की विथ के अंदर कुछ नहीं सो इट विल ऑलवेज़ प्रिंट नथिंग विच मीन्स ब्लैंक इन अ स्पेस ऑफ टेन कैरेक्टर्स एंड रिपीट दैट फॉर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मेट्रिक्स जब वो ख़त्म हुआ तो मैंने दूसरा जो कोना था उसका कैरेक्टर यहाँ पर प्रिंट कर दिया ये तो हो गई पहली लाइन उसके बाद जो लाइनें हैं जिसमें एक्चुअल मैट्रिक्स की वैल्यूज़ आनी हैं उनको हम शुरू करना चाहते हैं विद अ वर्टिकल लाइन फिर नंबर 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 जब तक कॉलम्स वाले एलिमेंट्स पूरे नहीं हो जाते और फिर एक वर्टिकल लाइन सो दैट आर मेट्रिक स्टार्स लुकिंग वेल इनक्लोज इन साइड द स्क्र ब्रैकेट्स सेम थिंग अप्लाइज आई गॉन टू द एस्की टेबल अप द कोड फॉर द वर्टिकल बार फॉर ईच रो आई हैव प्रिंटेड द वर्टिकल बार वंस देन आई हैव प्रिंटेड द नंबर वैल्यूज विच इज़ द नंबर ऑफ कॉलम्स के हिसाब से वो वैल्यूज़ होती हैं वो एक लूप चलाई उनको प्रिंट किया और फिर एंड वाला वर्टिकल बार प्रिंट कर दिया इस कोड के बिगिनिंग पे अगर आप देखें तो मैंने दो और यूटिलिटीज़ इस्तेमाल की हैं ताकि ज़रा फॉर्मेटिंग हमारी अच्छी हो जाए याद रहे ये हमने डबल मेट्रिक्स बना रहे थे सो एवरी एलिमेंट इज ऑफ टाइप डबल डबल के लिए मैंने एक तो कॉल किया है सेट फिक्सड यानी आई कोलन कोलन फिक्सड जो है उसको स्पेसिफाई कर दिया है विच मीन्स इट्स गोइंग टू बी अ फिक्सड पॉइंट डिस्प्ले साइंटिफिक नहीं होगा डेसिमल नंबर हमेशा डेसिमल पॉइंट के साथ दिखाया जाएगा उसके बाद सेट प्रजन भी हमने कर दी और उसकी नंबर ऑफ प्लेसेज हमने टू कर दी सो वी हैव अ फॉर्मेट जो कि हमेशा हमारे जो डबल एलिमेंट्स हैं उसको डेसिमल पॉइंट विद टू डेसिमल प्लेसेस प्रिंट करेगा अब अगर आप देखें कि हम जो प्रिंट करते हैं उसको सेट विद टेन के साथ करते हैं तो दस जगहों के अंदर आखिर वाली तीन जगह जो हैं वो पॉइंट एक्स एक्स जहाँ पे उसके रिफ्रैक्शन की वैल्यू है उस तरह से प्रिंट होंगी अदरवाइज द कोड इज सिंपल इनफ अगेन इट्स अ केस ऑफ नेस्टेड लूप्स लूप डन इनफ एग्जाम्पल्स ऑन मेट्रेस टू रियलाइज वेन एवर यू वॉन्ट टू प्रोसेस रोज एंड कॉलम्स यू विल हैव टू यूज नेस्टेड लूप्स दैट इज वी आर डूइंग ओवर हेयर जब ये सारी रोज प्रिंट हो जाती हैं तो फिर हमने जो शुरू में किया था उसी का इन्वर्स फंक्शन जहाँ पे करेंगे हम नीचे वाले कोने ड्रा करेंगे वो भी एस की टेबल से लेके हमने ड्रा कर दिए सिर्फ छोटे से पॉइंट्स हैं फॉर्मेटिंग के लिए हमने आउटपुट स्ट्रीम का सेट एफ फंक्शन कॉल किया था बिगिनिंग में वो तो आपके पास कोड में है और एक हमने कह दिया कि जनाब शो पॉइंट और दूसरा फिक्सड नोटेशन होगी और डेसिमल पॉइंट दिखाया जाएगा लेट्स गो ऑन एंड लुक एट द ऑर्डिनरी आउटपुट टू फाइल फंक्शन थोड़ा सा मैं इसको आपके थोड़ी सी जस्टिफिकेशन देता चलूँ स्क्रीन पे जब हम आउटपुट कर रहे हैं तो हमने चाहा कि जनाब लाइनों के साथ अच्छी तरह फॉर्मेटेड मैट्रिक्स आए दूसरा जो है ये कोड लिखते हुए मुझे ख्याल आया कि जी मे बी एक मैट्रिक्स हो जो कि मैं फ़ाइल में सेव करना चाहूँ फाइल में जब सेव करने लगूँगा मैट्रिक्स को तो फिर मुझे ये लाइनें वगैरह नहीं चाहिए मुझे सिर्फ़ उसकी वैल्यूज़ चाहिए ताकि मैं फ़ाइल से मेट्रिक्स पढ़ भी सकूँ सो देर अ पेयर ऑफ फंक्शन वन इज़ आउटपुट टू अ फाइल एंड वन इज़ इनपुट फ्रॉम अ फाइल सो देट वी कैन बी एबल टू रीड दैट मेट्रिक्स टू राइट द आउटपुट फंक्शन वी एक्चुअली अबाउट द इनपुट फंक्शन जी अगर फाइल में एक मेट्रिक्स पड़ी हुई है तो उसको पढ़ा कैसे जाएगा देखिए मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर एक मेट्रिक्स डिक्लेयर की लेट से टू रोज टू कॉलम्स और फिर सामवे अलॉन्ग दाइन मैंने जाके कहा यह मेट्रिक एम जो है इसको फाइल से पढ़ के पॉपुलेट कर दो डू आई नो के फाइल के अंदर टू बाई टू मेट्रिक्स पड़ी हुई है How do I know that? Maybe it's a 5 by 5, maybe it's a 7 by 3 matrix. So what we need to do is somehow in the file save the number of rows and columns as well. So the output function that puts out to the file must put out the number of rows and the number of columns and then all of the elements of the matrix. So iska code code ye change. Hai. Code chota ho gaya, iske hum graphic elements is But we, what we do is first of all we say ये जो मैट्रिक्स आने लगी है इस फाइल के अंदर इसमें इतनी रोज हैं और इतनी कॉलम्स हैं और फिर उसके बाद उतने रोज और कॉलम्स के लिए हमने उसकी डेटा वैल्यूज लिख दी हैं लिखी फिर भी थोड़ी सी फॉर्मेटेड तरीके से हैं सो यू कैन स्टिल लुक एट दैट फाइल इन योर नोट पैड योर एडिटर एंड सी दैट इट्स अ मेट्रिक बट यू विल नोटिस यूटिस एन एक्स्ट्रा लाइन ऑन टॉप विच सेज नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इससे आप चलते हैं आगे विच इज़ द इनपुट फंक्शंस इनपुट फंक्शंस की भी एग्जैक्टली आउटपुट फंक्शंस की तरह दो वराइटीज हैं एक इनपुट फंक्शन है जो की से इनपुट लेगा और दूसरा इनपुट फंक्शन मैंने लिखा है जो कि फाइल से मेट्रिक्स को पढ़ेगा जो की से इनपुट लेगा फंक्शन वो क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऑपरेट कर रहे होंगे इस वास्ते उसके अंदर हमने तमीज़ दिखाई है वी हैव बीन पोलाइट इन दैट फंक्शन वट वी डन इज यू सेड लुक यू आर गोइंग टू इनपुट अ मेट्रिक्स ऑफ साइज सो मेनी रोज बाय सो मनी कॉलम्स सो इट विल शो दैट एंड देन इट विल आस्क कि जी हर रो के लिए इतनी वैल्यूज़ इनपुट करो और उनके दरम्यान में स्पेसेस छोड़ दो स्पेसेस जो हैं रिमेंबर दे आर डिलिमिटर्स एज फार एज सी इन इज़ कंसर्न सो कीबोर्ड इनपुट के लिए स्पेसेस आर द सेम एज प्रेसिंग एंटर सो यू कैन एक्चुअली पुट अगर चार रोज चार वैल्यूज चाहिए आपको एक रो के अंदर तो नंबर स्पेस नंबर स्पेस नंबर स्पेस नंबर एंटर चार वैल्यूज़ एंटर हो सकती हैं अंदर जो है वो छोटी सी वही लूप चल रही है जो सी इन या हमारी इनपुट स्ट्रीम को प्रोसेस कर रही है और हर वैल्यू को पढ़ के वो एलिमेंट्स ऑफ आई कॉमा जे के अंदर या आई जे के अंदर स्टोर कर रही है सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस फंक्शन एंड द इनपुट फ्रॉम फाइल फंक्शन इज नंबर वन इट हैज़ टू द यूजर इट इज़ पोलाइट एंड इट रीड्स स्पेसिज छोड़ के एक लाइन से वो वैल्यूज उठा लेती है जब हम इसका नेक्स्ट वर्जन देखते हैं विच इज़ इनपुट फ्रॉम अ फाइल उसके अंदर याद रहे ने कहा था कि जी हमने नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम्स भी फाइल में आउटपुट कर दिए हैं उसका कोड जरा सा इंटरेस्टिंग है अस लुक एट दैट इन मोर डिटेल ये जो इनपुट है फ्रॉम फाइल इसके अंदर हमने सबसे पहले ये किया कि जी फाइल में से नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स पड़े क्योंकि याद रहे हमारे आउटपुट फंक्शन ने वो लिखे थे फाइल के अंदर सो वी कैन गेट द नंबर ऑफ रोज इन कॉलम्स उसके बाद हमने एक थोड़ी सी इंटेलिजेंस बीच में डाली कि जनाब अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो फिर कुछ करो अदरवाइज देर इज नथिंग टू डू जब वो हमें ज़ीरो से ज़्यादा मिल गए तो हमने कहा जी एक टेम्प्ररी मेट्रिक्स बनाओ सो वी मेड अ मेट्रिक्स टेम्प जिसके अंदर हमने नम रोज और नम कॉल्स दे दिए जो वैल्यूज़ हमने फाइल से पढ़ी हैं वो वैल्यूज़ दी सो वॉट वी गॉट इज़ वी गॉट अ टेम्प्रेरी मेट्रिक्स ऑफ द करेक्ट साइज़ एंड दैट बाय आर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज ऑलरेडी इनिशलाइज टू जीरो Now we can do two things, we can either read the matrix and then return the value or we can first assign it to the matrix that was calling this function. So we were saying something like m.input. We have assigned it. So notice the interesting line which says star this equals temp. Now temp is my temporary matrix which so is the function but star this is whatever this points to. याद रहे ये मेंबर फंक्शन है सो दिस पॉइंटर जो है उसके इट पॉइंट्स टू द मेट्रिक्स दैट वाज कॉलिंग दिस फंक्शन सो ऑल वी सेड इज जो मेट्रिक्स इसको कॉल कर रही थी उसको टेम्प असाइन कर दो ये इक्वल टू साइन चलेगा कौन सा चलेगा हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर वाला जो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे वो यहाँ पर इस्तेमाल होगा वो जब हम इसको उसके साथ मिला के हमें देखना पड़ेगा कि असाइनमेंट ऑपरेटर ऑटोमेटिकली ये करता है कि सपोज़ हमारी जो दिस पॉइंटर के साथ मेट्रिक्स आई है वो टू रोज बाई टू कॉलम्स की है और टेम्प जो है वो पाँच रो और सात कॉलम की है तो असाइनमेंट ऑपरेटर पहले हमारी जो कॉलिंग मेट्रिक्स है उसके डायमेंशनस ठीक करेगा उसको भी पाँच रोज और सात कॉलम्स करके फिर उसको असाइन करेगा वैल्यूज़ तो so, हमने टेम्प की वैल्यूज़ अगर असाइन कर दी विच फॉर द मोमेंट इज़ जीरो एंड नाउ वी कैन रीड द वैल्यूज़ इन फ्रॉम द फाइल एग्जैक्टली द सेम नेस्टेड लूप द अदर वे मे बी इवन ईजियर इसके जी पहले टेम्प डिक्लेयर करो फिर फाइल से पढ़ लो और अखीर में कह दो स्टार दिस एक टेम्प एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द फंक्शन नोटिस टेम्प मेट्रिक जो है वो इस फंक्शन के अंदर क्रिएट हुई जब ये फंक्शन एग्जिट करेगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी सो द इक्वल टू जो ऑपरेटर हमने इस्तेमाल किया असाइनमेंट दैट इज इम्पॉर्टेंट वो दिस को असाइन कर दे उसकी सारी वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी इट्स अ डीप कॉपी उसके बाद क्वेश्चन आता है कि जिसने रिटर्न क्या करना है आप इसकी रिटर्न टाइप देखें तो हमने कहा इट रिटर्न टू अ मेट्रिक्स हमने उसके साथ कॉन्स्ट भी लगाया अ रेफरेंस टू अ अंस्टेंट मेट्रिक यानी वो चेंज नहीं हो सकती लिहाजा इसकी जो एंडिंग लाइन है वो है रिटर्न स्टार दिस विच इज रिटर्न वॉट एवर दिस पॉइंट्स टू एंड इट इज रिटर्न एज अ रेफरेंस इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डिटेल में आपसे बात करना चाहूँगा लेकिन वो असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ जाके बात करेंगे कि ये कॉन्स्ट क्यों लगाया है और रेफरेंस जब रिटर्न कर रहे हैं कब थोड़ा सा रूल ऑफ थम कि जब भी हम दिस पॉइंटर को रिटर्न कर रहे हूँ तो यू कैन रिटर्न इट एज अ रेफरेंस बिकॉज वही ऑब्जेक्ट है जो इसको कॉल कर रहा है वेन यू आर रिटर्निंग अ मेट्रिक्स विच इज़ नॉट अ रेफरेंस देन इट इज़ अ कॉल और रिटर्न बाय वैल्यू पूरी मेट्रिक्स टैग पे कॉपी होगी और वापस जाएगी विच इज स्लाइटली वेस्ट फॉर बट यू कैन नॉट रिटर्न अ रेफरेंस टू अ टेम्प्रेरी ऑब्जेक्ट यानी इस कोड के अंदर मैं रिटर्न ट्प नहीं कर सकता रिटर्न अगर रेफरेंस मैंने रिटर्न करना है टैंप क्योंकि यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी उसका रेफरेंस वापस चला जाएगा एंड अपॉइंटिंग टू नथिंग सो यू हैव टू बी केयरफॉल वेन एवर यू रिटर्निंग रेफरेंस जब भी रिटर्न टार दिस हो रहा है तो रेफरेंस जो है देट इज सेफ टू रिटर्न कौनस जो लगाया है उसकी बात मैं थोड़ी बाद में करूँगा नेक्स्ट फंक्शन एंड देट इज द ट्रांसपोज फंक्शन याद रहे मैंने डिफ़ाइन किया था कि जी मैट्रिक्स का ट्रांसपोर्ज जो है दैट इज़ व्हेन वी वांट टू इंटरचेंज द रोज एंड द कॉलम्स इसके अंदर दो अल्टरनेटिव रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं एक केस वो है जहां पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी नंबर ऑफ रोज इज़ द सेम एज द नंबर ऑफ कॉलम्स इन रिच केस वी वी कैन डू इट इन प्लेस यानी विदाउट रिक्वायरिंग एनी एक्स्ट्रा स्टोरेज हम मेट्रिक्स को ट्रांसपोज कर सकते हैं और दूसरा जो है वो तरीका है कि जी उसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं है तो उसकी शक्ल ही बदल जाएगी यानी वो पहले इधर को लंबी थी मैट्रिक्स और ट्रांसपोज के बाद इधर को लंबी हो जाएगी सो वी हैव टू हैव टू केसेस वी कैन एक्चुअली यूज द जनरल केस फॉर बोथ पर्पजेज बट यू विल नोटिस दैट इट इज़ स्लाइटली इन एफिशियंट लेट्स लुक एट द कोड इन द फर्स्ट केस दैट इज द केस फॉर अ स्क्र मेट्रिक्स हमने पहले ही चेक कर लिया कि जी इफ नम रोज इक्वल्स नम कॉल्स फिर स्क्वेर मेट्रिक्स का केस है अब ये कोड जो है ये वही है जो पहले आपको एक्सरसाइज़ में भी मैंने दिया था कि जी हमने रोज एंड कॉलम्स की वैल्यूज़ इंटरचेंज करनी है एक मैट्रिक्स के अंदर रहते हुए उसके लिए हमें एक टेम्प्री वेरिएबल चाहिए इन दिस केस इट इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल क्योंकि हम डबल मैट्रिक्स के साथ बात कर रहे हैं सो so, उसके अंदर एक किस्म का स्वॉपिंग ऑफ एलिमेंट्स हो रहा है लेकिन ट्रिक जो है गौर से देखें कि लूप किस चीज़ पे चल रही है हमने बाहर वाली लूप चलाई है फॉर आई इक्वल टू ज़ीरो i less than num rows i++ plus plus, लेकिन अंदर वाली लूप जो है वो शुरू होती है फॉर j इक्वल टू i प्लस वन जे लेस देन नम कॉल्स j++ प्लस प्लस और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड स्वॉप है टेम्प इक्वल टू एक्स y y वाई वाईल टेम्प तरह वाला क्यों हमने ये लूप्स का इंडेक्सिंग रखी है क्योंकि आप थोड़ा सा गौर करें तो हमने किया क्या है कि मेट्रिक्स का एक ट्राइंगल यानी उसको दरमियान में से यूं काटा है और एक ट्रायंगल को प्रोसेस किया है इस रो में इस रो नंबर के कॉलम से आगे वाले कॉलम्स को प्रोसेस करो फिर नेक्स्ट रो क्योंकि बढ़ गई है तो उसका इन अ वे हमने कॉलम भी नेक्स्ट शुरू किया है और फिर यूं प्रोसेस कर रहे हैं एक ट्राइंगल को प्रोसेस कर रहे हैं ट्राइंगल की जो प्रोसेसिंग है उसकी वजह से एक काम एफ़िशेंटली हो जाता है अगर आप आंखें बंद करके इनर लूप को भी ज़ीरो से शुरू कर देते तो अगर आप लॉजिकली इसको वर्कआउट करेंगे होगा ये पहले आपने एक नंबर को दूसरे के साथ इंटरचेंज किया और फिर आगे चलते चलते उस नंबर को पहले वाले के साथ वापस इंटरचेंज कर दिया यू विल नोटिस कि आपकी मैट्रिक्स को कुछ भी नहीं हुआ सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट दिस इज द केस ऑफ द स्क्र मैट्रिक्स वेन वी हैव द केस ऑफ द नॉन स्क्वेयर मैट्रिक्स दैट इज द एल्स पार्ट ऑफ दिस कोड उसके अंदर वॉट यू नीड टू डू इज टू डिफाइन अ न्यू मेट्रिक्स एक्सेप्ट उसकी रोज कितनी है कॉलिंग मेट्रिक्स के कॉलम्स जितनी और उसके कॉलम्स कितने हैं कॉलिंग मेट्रिक्स की रोज जितनी सो वी हैव डिफाइंड न्यू मेट्रिक टेम्प विद द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज उसके बाद इसका कोड जो है वो ज़्यादा आसान है इट इज़ अ स्ट्रेट एलिमेंट टू एलिमेंट कॉपी फ़र्क क्या है कि अगर आप गौर से देखें कि जी लूप जो चल रही है वो अब फलाने रो फलाने कॉलम से जो एलिमेंट है हमारी कॉलिंग मेट्रिक्स का उसको डाल रही है फलाने कॉलम फलाने रो के अंदर सो इट्स एन इंटरचेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स विच वॉज द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांसपोज जब टेम्प के अंदर सारी वैल्यूज कॉपी हो जाती हैं वी डू आर लिटिल मैजिक विच इज स्टार दिस इक्वल्स टेम्प एक वट एवर दिसंट्स टू इज नाउ असाइंड द वैल्यू ऑफ द मेट्रिक टेम्प तो सारी चीज इधर कॉपी हो गई विच मीन्स आपकी हॉरिजॉन्टल वाली मैट्रिक्स वर्टिकल बन गई या वर्टिकल वाली हॉरिजॉन्टल बन गई विच एवर द केस में बी एंड वी रिटर्न दिस दिस इज द बेसिक एसेंस ऑफ द ट्रांसपोज कोड नाउ What happens is that I we we wanted to discuss the assignment operator, which is very important and is very interesting because this is a case of dynamic memory allocation in this class.. So what we will do is we will continue the discussion of this code in the next lecture. Next lecture, mein, we will look at the assignment statement. We will look at the stream insertion and extraction operators. एंड वी विल ऑल्सो देन ट्राई अगर टाइम हुआ टू री कैप कि जी पूरे कोर्स में हम किधर से आए और किधर को गए सो टिल देक्स टाइम अल्लाह हाफि